भागवत जी में तीन मंगलाचरण किए गए। पहला व्यास जी का मंगलाचरण, दूसरा सुखदेव जी का मंगलाचरण और तीसरा सूत जी का मंगलाचरण। एक बात बताऊं, ये मंगलाचरण क्या है? जीवन मंगल हो वही मंगलाचरण है, जीवन में मंगल आचरण हो वही मंगलाचरण है। और जैसे भागवत में तीन बार मंगल है, ऐसे ही जीवन में भी तीन अवस्थाएं हैं जिनको मंगल बनाने का अवसर मिलता है। पहली कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। बचपन में यदि आप एक भी माला करते हो तो जवानी की हजार माला से ज्यादा बढ़िया है। प्रत्येक बच्चे को चाहिए, अगर वो पढ़ाई में कमजोर है, अगर उसका मन शिक्षा में नहीं लगता, एक माला भगवान की करे, देखो कितना बढ़िया मन लगेगा। मैं भी उपाय बताता हूं, लेकिन एक्चुअल वाले जिससे कल्याण हो आपका, ऐसा उपाय बच्चों को चाहिए, एक माला करें नित्य प्रति, बस द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव, एक माला करके देखिए। बचपना न अच्छा हो जाए तो आप कहिएगा, लेकिन आजकल बच्चे किसी को बोलो भैया कोई मंत्र आता है? नहीं नहीं। पबजी जानते हो? बहुत अच्छी तरीके से। डोरेमोन का जानते हो? अरे मेरा फेवरेट कार्टून है। किसी को संस्कृत का एक श्लोक, अभी छोटे छोटे बच्चों की बात बता रहा हूं जो 10 साल 12 साल के, मैं यह सच कहता हूं, मैं संस्कृत का एक श्लोक भले ना मालूम हो पर उनको यह पता है कि वैलेंटाइन डे वाले दिन गुलाब का फूल दिया जाता है, ये सबको पता है। व्हाट इज रीजन? कारण क्या है? उनका नहीं, उनकी कमी नहीं है, कमी उनके माँ बाप की। क्यों? बचपन में बच्चा छोटा था, खुद देख रही है सीरियल, भाभी जी घर पे हैं, बच्चा आया, मम्मी मम्मी भूख लगी, सोई कार्टून लगा के पकड़ा दिया, ले खेल, अभी मैं सीरियल देख रही। अब बच्चा तो कार्टून बनेगा, अब सिंचन दिखाओगे तो बच्चा ध्रुव थोड़ी ना बनेगा। माताओं, अपना यदि बुढ़ापा संभालना है तो बच्चों का बचपना सुधार दो। मैया कौशल्या के राम इसलिए महान नहीं बने कि वो भगवान है, इसलिए महान बने क्योंकि कौशल्या कहती बेटा राम ये तुम्हारे गुरु हैं, जाओ प्रणाम करके आओ, बेटा राम ये तुम्हारे माँ बाप हैं, इनको प्रणाम करो, इसलिए महान बने। क्या सुंदर करेक्टर है राम का। दूसरी माँ कहती वनवासी हो जाओ, खुद की माँ ने नहीं कहा और फिर भी आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वनवासी हो। आज करेगा कोई बच्चा? क्यों? क्योंकि आज तुमने ही पहले चाची के चक्कर में मत पड़ी हो। बचपन से ही चाची के प्रति जहर घोल दिया। अरे क्यों भाई, बड़ा होके तो वैसे ही संगत में बिगड़ जाएगा, तुम बचपना तो सुधार लो। माताओं, बच्चों का भविष्य प्रथम गुरु आप हो। रावण पहले से दुष्ट नहीं था, रावण बहुत भक्त था बचपन में, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है। एक बार की बात, रावण के घर में कुबेर जी आए, रावण के सौतेले भाई, तो कुबेर जी, अच्छा कुबेर देवताओं की तरफ थे और रावण की माँ जो थी केक्सी वो राक्षसों की कन्या थी और वो देवताओं का विरोध करती थी, तो इसलिए कुबेर जी से बहुत जलती थी, बहुत ज्यादा जलती थी। तो जैसे कुबेर जी आए, कुबेर जी ने सबको प्रणाम किया तो छोटे से रावण ने पूछा, माँ ये महान व्यक्ति कौन है जो आए और सबको प्रणाम कर रहे हैं? अब माँ को क्या परिचय देना चाहिए था? बेटा ये तुम्हारे बड़े भैया हैं, धनपति हैं। लेकिन केकसी ने छोटे से रावण के मन में जहर घोल दिया, अरे बेटा तू इस धूर्त को महान बोलता है, इसने तो जिसने तेरे नाना को मारा उस विष्णु का ये उपासक है, ये तेरा ये भाई नहीं, ये तो प्राणघाती है, मैं अपनी कोख को आज बड़ा बेकार मानती हूँ कि मेरा पुत्र इसकी प्रशंसा कर रहा। अब रावण बोला, माँ बताओ क्या करना? बोले करना क्या, तपस्या करो, बदला लो। उस छोटे से रावण को एक दैत्य रावण बनाने वाली उसकी माँ है और कोई नहीं। इसलिए थोड़ा सा माताओं,
थोड़ा एक भजन कम सुनना, एक फिजिक्स का चैप्टर कम पढ़ाना, एक केमिस्ट्री का चैप्टर कम पढ़ाना, बच्चों को बचपन में संस्कार का चैप्टर पढ़ा देना, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को। प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, बचपन में सुधारना। तो पहला मंगल आचरण कब बनेगा? जब बाल्यावस्था होती, बाल्यावस्था को सुधारो। दूसरा मंगलाचरण जीवन का कब शुरू होता है? जब जवानी आती है, युवावस्था, यंगस्टर। युवाओं का देश है भारत, लेकिन आजकल हमारे युवा भाई बहनों को लगता है कि जवानी तब सफल है जब बाइक पर बैठ करके पीछे गर्लफ्रेंड बैठी हो और बढ़िया तेज 80 की स्पीड से लेके जा रहा हो, तब जवानी सफल है। अरे याद करो शहीद देशभक्त को, भगत सिंह आजाद को याद करो, चंद्रशेखर को याद करो, सुभाष जी को याद करो, विवेकानंद को याद करो। क्या ये लोग, इन लोगों ने अपनी युवावस्था ऐसे सफल की? नहीं प्यारे। पर आजकल के लड़कों को लगता है जब तक मुख में सिगरेट ना हो तब तक आई एम नो स्टाइलिश। क्यों? सिगरेट नहीं है? अरे नहीं प्यारे, सिगरेट फूकने में मत खराब करो अपना जीवन। फूकना ही है तो धर्म की सेवा में अपनी वाणी को लगाओ, प्रभु नाम की सेवा में अपनी वाणी को लगाओ, अपने संस्कार को अपनाओ, अपनी संस्कृति को अपनाओ। हा? आज हमारे देश में हमारी बेटियों को लगता है कि ब्रांडेड वो है जो कूची और प्राडा की बैग टांगे, जो ब्रांडेड आइटम। हा? घर में फ्रीज हो तो इस कंपनी की, कपड़े पहनू तो इस कंपनी के, गाड़ी हो तो इस कंपनी की। माय डियर, वो ब्रांडेड नहीं है। ब्रांडेड देखना हो तो एक राम को देखो जिसने कपड़े पहने लकड़ी की छाल के, फिर भी समाज में ब्रांडेड बन करके बैठे हो। कोई इस ब्रांडेड चीजों को धारण करने से ब्रांडेड नहीं होता है। असली ब्रांडेड वो होता है जो जीवन में आचरण ब्रांडेड रखे। राम वनवासी हुए थे तो वलकल के वस्त्र पहने थे, कपड़े की छाल के वस्त्र। लेकिन आज राम के आचरण ऐसे हुए कि हर जगह हम उनकी कथाएं सुनते हैं, हर जगह हम उनके भजन गाते हैं। ऐसे ब्रांडेड बनो प्यारे। युवावस्था वो नहीं जो बेड पर पड़े पड़े फेसबुक चला रहे, पलंग तोड़ रहे, मम्मी ने पानी तो दियो। अरे नहीं नहीं, युवावस्था वो सार्थक है जो अपने माँ बाप की सेवा करे। जवानी वो सार्थक है जो अपने संस्कारों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। जवानी वो सागर, जवानी कागज की नौका है। बड़ी सुंदर किसी ने पंक्ति कही, जवानी एक कागज की नौका है, जवानी हवा का झोंका है, और जवानी ही सुधरने का असली मौका है। ये मौका मिला है। और बेटियों से भी निवेदन करूंगा, जो फटे कपड़े पहन करके अपने आप को बहुत ज्यादा डैमेज वाली जींस, ये कपड़े, ये शॉर्ट कपड़े, यू आर नॉट ब्रांडेड माय डियर सिस्टर। इन चीजों से आप सुंदर नहीं है। जिसका चरित्र सुंदर है वो सबसे सुंदर है। सीता जी ने कभी देखा रामायण में लिखा हो कि डिमांड की हो जनक जी से, पिताजी मुझे कूची के कभी ये चाहिए, कभी देखा? कभी राधा जी के बारे में सुना? और कभी मीरा के बारे में सुना? मीरा ने भोजराज से कहा कि मुझे आज ये वाली जींस चाहिए, ये वाली साड़ी चाहिए, फिर भी नहीं सुना ना। उसके बाद भी मीरा के बारे में सब गाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सुधारा है। ड्रेस महत्व तो नहीं है, महत्वपूर्ण है स्वयं का सुधर हो जाना। इसलिए सुंदर वस्त्र पहनो, सुंदर तरीके से रहो, अपने संस्कारों में रहो, अपनी संस्कृति में रहो। तो दूसरा अवसर है मंगल बनने का, युवावस्था। और अभी बुजुर्ग भाई लोग बड़े चटकारे ले ले के हंस रहे थे, इनकी बात चल रही, अपना तो नंबर ही नहीं, तुम भी किसी से कम नहीं हो, 80 साल के हो गए अभी भी परिवार में चिपके बैठे हो। गुरुजी ने कहा भजन करो, तो कहा बेटा हो जाएगा तब करेंगे। अब कर ले, बेटा हो गया बोले शादी हो जाए तब। अब तो शादी हो गई, अब और बहाना मिल गया, अरे महाराज जी वो मेरा पोता है ना, पौत्र, जब से वो हुआ है 2 साल का मुझे कहीं जाने ही नहीं देता, वो मेरे बिना रह ही नहीं पाता।
वो नहीं रह पाता कि तुम नहीं रह पाती उसके बिना। तुम भी किसी से कम नहीं हो, 80 के हो गए पर अभी भी वहीं के वहीं चिपके हो। अरे छोड़ो मोह माया, अब तो सुधर जाओ, अब तो डोली आने वाली है। कुछ तो ऐसा करो कि ईश्वर गले लगा ले तुम्हें, कुछ तो ऐसा कर लो। एक किसी संत ने बड़ा सुंदर सा गीत गाया था, मुझे याद है उसके दो शब्द, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। तो मैं तो कहूंगा वो चुल्लू भर भी पानी ना मिले, ऐसे ही मर जाए। बुढ़ापा भी सुधारना पड़ता है। 80 के हो गए तब भी फ्लैट के चक्कर में पड़े, एक फ्लैट बेटे का और हो जाए तब सुकून से मरूं महाराज, एक एक और फ्लैट हो जाए तब सुकून से मरेगा। अरे छाती पे ले जाएगा क्या? अब भजन कर ले, बहुत हो गया, सब भगवान ने दे दिया, और नहीं दिया तब भी टेंशन नहीं। इंसान को लगता है मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, कैसे सब चलेगा? अरे कुछ नहीं होगा, तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे जाने के बाद सोचो बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम मरोगे क्या होगा, एक दिन रोया जाएगा तुम्हारे लिए, दूसरे दिन जैसे रोया जाएगा शाम तक, एक दिन भी नहीं शाम तक, उसके बाद रिश्तेदार आ जाएंगे, उनके चाय की व्यवस्था, कॉफी की व्यवस्था, और फिर जहां दो तीन दिन हुए अब बेटे आपस में बात करेंगे, पिताजी की 13वीं कैसे करनी, तुम कितना खर्चा कर रहे हो, तुम कितना कर रहे हो। अब 13वीं होने के बाद फिर तुम साल में एक बार याद किए जाओगे पितृपक्ष में, उल्टी फोटो टांग दी जाएगी, टंगे रहो, बस यही होगा तुम्हारे जाने के बाद, और कुछ नहीं होगा। इसलिए कम से कम यहां तो बिगाड़ लिया, वहां के लिए तो तैयारी कर ले। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई बंधो जात जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधो जात जंजीर। अब डिपेंड आप पर है कि आपको जंजीर में बंध के जाना है कि सिंहासन पर बैठ के जाना है। किसको सिंहासन पर बैठ के जाना है, हाथ उठाओ भगवान के दरबार में सुंदर बन के। अरे अभी नहीं जाने को बोले, बहुत तेरे तो डर के मारे हाथ नहीं उठा रहे महाराज, ऐसी बात हो। वृद्धावस्था को भी सुंदर बनाओ, सिंहासन पर चढ़ के जाओ, ऐसे कर्म करो, सुंदर कर्म करो।